ओमनी सेफ 050 mg ओरल सस्पेंशन जो कि बनाया जाता है अरिस्टो फार्मास्यूटिकल प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा बनाया जाता है। सिपिक्जिन ओरल सस्पेंशन 50 mg एंड 5 ml रहता है और 48 rupees और 72 रुपये का ये पूरा सस्पेंशन रहता है जो कि 30 ml में रहता है। ये सस्पेंशन जो कि यूज़ होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन में, इसको यूज़ किया जाता है। तो इस वीडियो में मैं इसका यूजर्स, बेनिफिट, साइड इफेक्ट, कैसे यूज होता है, ड्रग कैसे काम करेगा, सेफ्टी एडवाइस क्या रखने का, डोज मिस हो जाए तो कैसे लेने का और इसका सब्सटीट्यूट कौन कौन सा अवेलेबल है, तो वो सब बातें इस वीडियो में मैं शेयर करूँगा ताकि आपको इस सस्पेंशन के बारे में संपूर्ण जानकारी मिल सके। तो ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाया जा रहा है, मेडिकल स्टूडेंट और हेल्थ केयर स्टूडेंट के एजुकेशन पर्पज़ के लिए। तो कोई भी मेडिसिन से कोई भी दवाई लेने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर ले। तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं एक छोटा सा इंट्रो के बाद। ओमनी सेफ 050 mg एंड ओरल सस्पेंशन जो कि बनाया जाता है अरिस्टो फार्मास्यूटिकल प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा बनाया जाता है। सिपिक्जिन 50 mg एंड 5 ml रहता है, 48 rupees का ये 30 ml का पूरा सस्पेंशन रहता है जो कि एक ड्राई सिरप है जो कि इसके अंदर डिस्टिल वाटर भी रहता है। ये एक सस्पेंशन है जो कि एक एंटीबायोटिक मेडिसिन है जो कि ट्रीटमेंट करती है बहुत सारे बैक्टीरियल इन्फेक्शन का, जैसे कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन आँख में, नाक में, कान में, थ्रोट्स में, लंग्स में, स्किन में, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक में, यूरिनरी ट्रैक में या कहीं भी होता है तब इसको यूज़ किया जाता है। तो अगर आप इसको ज़्यादा यूज़ कर रहे हो, डॉक्टर की सलाह से यूज़ नहीं कर रहे हो, कंटिन्यूसली यूज़ कर रहे हो, तो कुछ साइड इफेक्ट हो सकता है जैसे कि पेट में दर्द हो सकता है, एलर्जी हो सकती है, नोजिया हो सकता है, पेट में दर्द हो सकता है, ये सब कॉमन साइड इफेक्ट है जो कि आपको हो सकता है। तो जब भी इसको यूज़ करें तो डॉक्टर की सलाह से यूज़ करें, डॉक्टर जितना डोज और ड्यूरेशन बोले उतना यूज़ करें और इसका फिक्स टाइम और फिक्स डोज रखें ताकि बेटर रिजल्ट मिलेगा। तो ये काम कैसे करता है, तो इसके मैकेनिज्म की बात करूँ तो इसके अंदर जो दवाई डाली गई है वो एक एंटीबायोटिक से जो कि क्या करता है कि प्रोटेक्ट करता है सेल्स वाल्स को और बैक्टेरिया को सर्वाइव करने के लिए जो फूड रखता है तो वो नहीं मिलता, जिससे बैक्टेरिया का सर्वाइव नहीं होता, स्प्रेडेबिलिटी नहीं होती और उसका ग्रोथ नहीं होता। तो ऐसे ही काम करता है ये सस्पेंशन। तो इस सस्पेंशन के बारे में अगर आपको कुछ भी डाउट रहे तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, अदरवाइज जो डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी है वहाँ पे पूछ सकते हो। चैनल पे और वीडियो पे पहली बार आप विजिट किए तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है उसको दबाएं ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक एक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।